नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कि रक्षाबंधन पर राखी किसको बांध सकते हैं और किसको बांधनी चाहिए। देखिए, मैं आज ये नहीं बताऊंगा आपको कि रक्षाबंधन कब शुरू हुआ था, उसका क्या इतिहास रहा, किसने सबसे पहले राखी बांधी। ये आप बहुत से वीडियो देख चुके हैं और आप सभी को पता होगा कि राखी रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, कौन ने सबसे पहले राखी बांधी, ये सब कुछ आप जानते हैं। मैं फालतू आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। मैं आज सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि राखी हम किस किस को बांध सकते हैं और किन किन लोगों को हमने राखी बांधना चाहिए। ठीक है, वैसे ये दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत फ़र्क भी है अगर आप सोचेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम किस किस को राखी बांध सकते हैं और किन किन को राखी बांधना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम राखी बांधते क्यों हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए, राखी बांधने का सीधा सीधा रीज़न ये है, राखी कोई धागा या ऐसा कुछ नहीं है। इसको दूसरी भाषा में या दूसरी तरीके से हम इसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। हम राखी उन्हीं लोगों को बांधते हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं या हमें जिन पर विश्वास है कि समय आने पर ये हमारी रक्षा कर सकते हैं, इन्हीं लोगों को हम अक्सर राखी बांधते हैं। अब इनमें कौन कौन लोग आ सकते हैं जिनको हम राखी बांधते हैं, और जरूर नहीं है कि जो रक्षा करते हैं, जो सजीव चीज़ें हैं उन्हीं को राखी बांधी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप निर्जीव चीज़ों को भी राखी बांधते हैं, ऐसे बहुत से प्रमाण आपको मिल जाएंगे जिसमें आप निर्जीव चीज़ मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी आप राखी बांधते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि किस किस को आप राखी बांध सकते हैं। तो जिस सबसे पहला जो ऑर्डर आता है वो आता है भगवान का ऑर्डर, मतलब सबसे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा भगवान का, कि आप भगवान को राखी जरूर बांधना चाहिए। अब भगवान को क्यों बांधना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित हम महसूस करते हैं जिनके पास, वो है भगवान के चरण, यानी भगवान के सामने हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हमें भगवान को राखी जरूर बांधना चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि भगवान सबके रक्षक होते हैं, सबके पालनकर्ता होते हैं, तो उनको तो राखी लगेगी, मतलब सबसे पहली राखी जो बंधेगी वो भगवान को बंधेगी, और सबसे पहले राखी भगवान को ही बांधनी चाहिए। ठीक है, दूसरी राखी यानी दूसरा जो नंबर आता है वो श्रवण कुमार का आता है। अब आप बोलेंगे श्रवण कुमार को राखी बांधने का क्या रिवाज है, और वैसे आपने देखा होगा हमेशा सभी घरों में पहली राखी श्रवण कुमार को बांधी जाती है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि श्रवण कुमार, क्योंकि वो अपने माँ बाप के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपने माँ बाप के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए और उनकी कोई बहन नहीं थी, दैट्स वाई सभी बहनें उनको अपना भाई मानकर राखी बांधती है, ये है उसके पीछे का रीज़न। तो दूसरी राखी बनती है श्रवण कुमार को, इसके बाद आप फिर अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। जरूर नहीं है कि जिन बहनों के भाई नहीं है उनको राखी नहीं बांधनी चाहिए, उन बहनों को उन लोगों को राखी बांधनी चाहिए जिन्हें वो अपने भाई के तुल्य समझते हैं, यानी भाई के समान जो समझती हैं उनको आप राखी बांध सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर आ गया आपके भाई का। इसके बाद आप अपने पापा को राखी बांध सकते हैं, अपनी मम्मी को राखी बांध सकते हैं, बड़ी बहन को राखी बांध सकते हैं, अपने बड़े पापा को राखी बांध सकते हैं, सबको राखी बांध सकते हैं। जैसे इस समय जो मेरे पास राखी बांधी है, ये मेरी बेटी ने मुझे राखी बांधी है, इस पे पापा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चा, और वैसे भी आपको मालूम है कि बच्चा जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस अपने पापा के पास ही करता है, अपने पापा के साथ ही करता है, इसलिए मेरी बेटी ने मुझे राखी बांधी है। तो इसी टाइप से आप, अगर आपके भाई नहीं है तो आप अपने पापा को राखी बांधिए, अपनी मम्मी को राखी बांधिए। ये तो हो गई लिविंग थिंग्स की बात, जिनको अपने राखी बांधी। अब मैं थोड़ी कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की बात करता हूँ, जो निर्जीव चीज़ है उनको भी हम राखी बांधते हैं, उसके पीछे का भी रीज़न है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें पेड़ों को राखी बांधते हैं हम लोग। हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये परंपरा है कि हम पेड़ों को भी राखी बांधते हैं, उसका रीज़न है, फिर भी हमारी कहीं ना कहीं रक्षा करता है, जैसे वो ऑक्सीजन देता है, इस प्रकार हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हुई। दूसरी तरह से देखा जाए तो पेड़ हमको औषधि देता है, इससे भी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, इस कारण से हम पेड़ों को भी राखी बांधते हैं। इसके बाद नंबर आता है घर का। घर को राखी जरूर बांधिए, क्योंकि घर आपकी रक्षा करता है, सभी तरह से सुरक्षा आपकी करता है घर। आप चाहे वो आंधी हो, पानी हो, धूप हो, सर्दी हो, सब तरह से आपकी घर आपकी रक्षा करता है, इसलिए घर को भी राखी जरूर बांधना चाहिए। फिर आता है हथियार। आप जो हथियार यूज़ करते हैं, अगर आप एक फौजी हैं, कुछ भी हैं, तो और अगर आप एक हथियार चलाने वाले हैं तो आपको अपने हथियार को भी राखी बांधना चाहिए, क्योंकि हथियार भी आपकी कहीं ना कहीं रक्षा करता है, इसलिए आप हथियार को भी राखी जरूर बांधना चाहिए। दूसरा आता है वाहन। वाहन को भी आपने राखी बांधना चाहिए, क्योंकि वाहन भी आपकी रक्षा करता है,
आप चाहे फिर वो आपकी थकान में रक्षा करता हो या आपको चलने में आपको अगर असुविधा हो रही है तो वाहन आपकी रक्षा करेगा। वाहन मतलब रक्षा करने इन द सेंस वाहन आपकी सहायता करेगा। तो इस तरह से आप वाहन को भी राखी जरूर बांधना चाहिए। और वैसे भी सभी लोग हम हिंदू धर्म में सभी लोग इन जितनी भी चीज़ मैंने बताई इन सभी चीज़ों को राखी जरूर बांधते हैं। इसके साथ ही जो उपकरण आप यूज़ करते हैं फिर चाहे कोई सा भी उपकरण आप यूज़ करते हो उनको भी आपको राखी जरूर बांधना चाहिए। बहुत सारे आपने देखा होगा कोई अगर ढोलक बजाता है तो ढोलक में राखी बंधी रहती है, कोई अगर सितार बजाता है गिटार बजाता है इन सभी चीज़ों में राखी बंधी रहती है इन द सेंस वो बांधते हैं। तो अगर आप कोई उपकरण यूज़ करते हैं या कोई वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं कुछ भी यूज़ करते हैं चाहे कंप्यूटर यूज़ करते हैं कुछ भी तो इनको भी आपको राखी जरूर बांधना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जरूर आपकी रक्षा करते हैं। देखिए पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आप किन किन लोगों को यानी जो आपके भाई बहन यानी जो आपके रिश्तेदार है उनको राखी बांधने के बारे में बताया। दूसरी बार में मैंने आपको बताया कि किन किन नॉन लिविंग थिंग्स जो है इसको हम निर्जीव चीज़ें बोलते हैं उनको राखी बांधने के लिए बताया। लेकिन अब मैं उनको राखी बांधने के बताता हूँ जो सजीव भी है और आपके रिश्तेदार भी नहीं है। जैसे पहला नंबर आता है इसमें फौजी का। जिस प्रकार से फौजी देश की रक्षा करता है और देश अगर सुरक्षित है तो आप भी सुरक्षित हैं, इसलिए आपको फौजियों को राखी जरूर बांधना चाहिए। इसलिए हमारे भारतवर्ष में बहुत सी बहनें अपने फौजी भाइयों को भी राखी भेजती हैं और फौजी भाई भी राखी बांधते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आता है हमारा पुलिसकर्मियों का। इस समय जो कोविड वाला चल रहा है जिसको हम कोरोना बोल रहे हैं इसकी वजह से पुलिसकर्मियों का कितना योगदान आपकी सुरक्षा में लगा है ये आप जानते हैं। तो इसलिए पुलिसकर्मियों को भी आपने राखी जरूर बांधना चाहिए अगर आपके भाई नहीं है, और बल्कि हो तो भी आपको पुलिसकर्मी और फौजियों को राखी जरूर भेजना चाहिए, उनको जरूर बांधना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है डॉक्टर्स का। डॉक्टर भी हमारी बहुत ज़्यादा सुरक्षा करता है, बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। वो भी एक स्वास्थ्यकर्मी है और वो भी हमारा सुरक्षाकर्मी है, सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें डॉक्टर को भी राखी जरूर बांधना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको हमें राखी जरूर बांधना चाहिए। मैंने हर चीज़ के साथ एक रीज़न बताया, वो रीज़न के साथ आपको अपनी राखी जरूर बांधना चाहिए। और लास्ट में आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि पत्नियों ने भी यानी कि वाइफ्स ने भी अपने हस्बैंड को राखी जरूर बांधना चाहिए। यानी जो आपकी वाइफ है उन लोगों को भी आपको यानी कि जो उनके हस्बैंड है उनको राखी जरूर बांधना चाहिए। उसका रीज़न है कि पत्नी के लिए पति ही सबसे बड़ा सुरक्षाकर्मी होता है। मतलब उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होती है वो पति की ही होती है, इसलिए हर पत्नियों को अपने पति को राखी जरूर बांधना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार स्टार्ट हुआ था वो एक पत्नी ने ही अपने पति को राखी बांध के स्टार्ट किया था। यानी देवराज इंद्र है हमारे, देवराज इंद्र की जो पत्नी है शची, उन्होंने सबसे पहले अपने पति को राखी बांधकर और उनको जो राक्षस से जो उनका युद्ध हुआ था उनसे विजय प्राप्त की थी और तभी से हमारा रक्षाबंधन शुरू हुआ था। इसलिए हर पत्नी ने भी अपने पति को राखी जरूर बांधना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।